जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं भले चंगे होंगे, मजे में होंगे। और यदि कोई तकलीफ भी है तो वो इन उपायों को करने से जाती रहेगी। दोस्तों, आज मैं आपको एक प्योर टोटका बताने वाला हूं जिसमें आपको किसी मंत्र जाप की या किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। कई बार क्या होता है कि समय नहीं होता है, समय के अभाव के कारण भी जो मंत्र से लगती पूजा विधि होती है वो आप लोग नहीं कर पाते हैं। तभी हमारे शास्त्रों में ऐसे अनेक टोने टोटके भी दिए गए हैं कि यदि व्यक्ति उसको संपूर्ण श्रद्धा के साथ करता है तो वो उतना ही असर दिखाते हैं जितना कि आप जितनी पूजा पाठ करते हैं उतना ही। तो ऐसा ही आज मैं आपको एक टोटका बताने वाला हूं कि इस टोटके को यदि आप करते हैं तो आपकी जो कोई भी मनसा है, आपकी जो कोई भी मन्नत है, जो आप चाहते हैं वो आपकी पूरी हो जाएगी। आपको करना क्या है, किसी भी दिन आप इसको कर सकते हैं। आपको सोने से पहले आपका अपना जो पुराना कपड़ा हो, देखिए दोस्तों, हर एक टोटके के पीछे कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई साइंस लगा हुआ है। आप जो कपड़े को पहनते हैं उस कपड़े में आपकी आभा होती है, वो कपड़ा आपके साथ जीवंत हो चुका होता है। तो वह जो कपड़ा होता है उसमें भी आपकी वही सारी चीजें, सारी खूबियां, सारी इच्छाएं उस कपड़े में सम्मिलित होती हैं। इसीलिए टोने टोटके में पुराने कपड़ों का यूज किया जाता है। और जब भी आप ऐसे किसी टोने टोटके का यूज करें तो ये ध्यान रखें कि वह कपड़े को आपको धोना नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो कहीं बहुत दिन का कहीं पर पड़ा हुआ है और आपने ले लिया है, नहीं। जिसको आप डेली यूज में लेते हैं ऐसे कपड़े को आपको इसमें लेना है कि जो रोज बरोज इस समय आपकी जो जरूरत है या आप जो सोचते हैं वह उसके साथ में अटैच होना चाहिए, ऐसी चीज लेनी चाहिए। अन्यथा कई लोग क्या करते हैं, पुराना कपड़े का मतलब कहीं से पुराना दबा गड़ा कपड़ा निकाल के काम कर लेते हैं और फिर उनके काम नहीं बनते हैं। तो इसके लिए जिस समय आप टोने टोटके का उपयोग कर रहे हैं तो वर्तमान में जिस कपड़े का आप यूज कर रहे हैं आपको वही कपड़ा लेना है। तो इस समय आप जो भी कपड़ा ले रहे हैं वो आप जो यूज कर रहे हैं वो ले, भले ही पुराना ले ले एकदम, लेकिन जिसको आप यूज करते हैं ऐसा आप एक कपड़ा ले लें। रात को सोने से पहले जब आप एकदम अपने सारे दैनिक कार्यों से फुर्सत हो गए हों और बिस्तर में सोने के लिए जा रहे हैं उस समय आपको इस उपाय को करना है। आपका जो कोई भी पुराना कपड़ा है उसको आप बराबर से पर्त कर ले, घड़ी लगा ले और उसके बाद में अपने दोनों हाथों में इस तरह से उस कपड़े को आप सीधा रख ले और इसके बाद में आप उसको अपने पूरे चेहरे पर इस तरीके से कपड़े को लगा ले, पूरे चेहरे पर लगा ले, आंखें बंद कर ले। 7 दफे आपको गहरी गहरी सांसें लेनी है और छोड़नी है और आपकी जो कोई इच्छा है उसको आपको सोचना है। आपको यह सोचना है कि यह जो कपड़ा है यही आपकी हर चीज को पूरी करने वाला है। उसको आप पूरी तरीके से चेहरे पर लगा लें, इस तरह से गहरी सांसें लें। जब आप यह करेंगे तभी आपको बहुत अच्छा अंदर से फील आएगा। यह टोटके का सबसे अच्छा पहलू यह है कि जैसे ही आप इसको करेंगे इसका चमत्कार तुरंत आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही आप अपने चेहरे पर इसे लगाएंगे आपको महसूस होने लगेगा कि आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, कुछ परिवर्तन हो रहा है आपके अंदर। तो आप अपनी जो कोई भी विश है, इच्छा है, उसको आप सोच लें, महसूस कर लें और इसके बाद में 7 चुटकी कुमकुम आप इस कपड़े में डाल दें। इसमें 7 चुटकी कुमकुम रख लें और फिर एक परत आप इसकी इस तरह से मोड़ लें और अपने सिरहाने इसको रख लें, यानी आपका जो तकिया है उसके नीचे इसको रख लें और सो जाएं इसको रख करके। जितने देर तक आप इस टोटके को करेंगे संपूर्ण पूरे समय तक आप इसको महसूस कर पाएंगे।
इसका बहुत जबरदस्त ये असर है। तो आप इसको अपने सिरहाने रख लें और सो जाएं। सवेरे जब आप उठते हैं इसको वैसे ही रहने दें, अपने नित्य क्रम से सवेरे का जो स्नान आदि का नित्य क्रम है उससे आप फुर्सत हो जाएं, और उसके बाद में इस कपड़े में आप 1.25 किलो चावल रख लें। यदि कपड़ा छोटा है तो किसी और दूसरे कपड़े के ऊपर इसको रख लें और इसमें 1.25 किलो चावल रख लें, और सीधे किसी से कुछ भी कहे बिना चले जाएं और किसी जरूरतमंद को दे दें। दोस्तों इतना चमत्कारिक टोटका है ये कि आप देखेंगे कि ये आप करके आएंगे तब तक आपको आपका जो कोई भी काम है उससे संबंधित शुभ समाचार आपको मिलने लग जाएंगे, आपको हिंट होने लग जाएगी कि आपका जो काम था चाहे वो कोई भी था लेकिन वो काम बनने की दिशा में सारा माहौल अग्रसर होने लगा है, आपको ये फीलिंग आने लग जाएगी। तो दोस्तों यदि आपके जानने पहचानने वाले में चित परिचित में कोई व्यक्ति हो जो वास्तव में परेशानी से गुजर रहा हो तो उसे ये अवश्य बताइएगा ताकि उस बेचारे का काम निकल जाएगा और आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। तो चलिए दोस्तों अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा, और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।